नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्निहोत्री और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है चाणक्य ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं रेलवे के ग्रुप डी और NTPC के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बनभट्टा और हर्षवर्धन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सन 1965, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा प्रश्न है, पहला लोकोमोटिव चितरंजन में कब बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1950। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, इन स्टेशनों में से किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई में है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका उत्तर आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकेंड। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कहां रेलवे का मुख्यालय नहीं है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर फ्रेंड्स इसका आंसर आपको नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप एक बार अपनी जीके पर जरूर काम करें। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे मोदी जी कहाँ के हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों, इसका उत्तर आपको आना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न आपके आगामी एग्जाम NTPC ग्रुप डी और JEE के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रेलवे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं रेलवे के बारे में थोड़ा सा, दोस्तों हमारे रेलवे के चेयरमैन कौन हैं, जो कि हैं विनोद कुमार यादव जी पहले, और इसके पहले थे हमारे अश्विनी लोहानी जी, जो कि अब एयर इंडिया के चेयरमैन हैं।
और मैं आपको बता दूं कि हमारी पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, जो कि चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। चलिए दोस्तों, अब हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।